हाय मदर एंड चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद जो कुछ घंटे होते हैं, शुरू के जो एक दो दिन होते हैं, जो आपने हॉस्पिटल में स्पेंड करने होते हैं, उस दौरान आपके साथ क्या क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किन किन परेशानियों का आपका सामना करना पड़ता है, ताकि आप उन चीज़ों से पहले ही अवेयर हो सकें। वो दिक्कत आपके साथ आए तो आप ये ना सोचें कि ये मेरे साथ एकदम से ये मेरे साथ क्या हो गया है। तो ऐसे ही अब कुछ पांच जरूरी बातें आपके सामने लेकर आई हूँ, जो हर एक न्यू मॉम को, हर एक नई मदर को जो है पहले ही जान लेना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जैसे ही आपका बेबी इस दुनिया में आता है तो नाभिनाल को कट करके बेबी को अलग कर लिया जाता है और आपका डॉक्टर जो है आपके प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं। डरिए नहीं, आपको प्लेसेंटा निकालते टाइम किसी भी प्रकार का जो है दर्द है महसूस नहीं होता है। अगर आपके डॉक्टर को ज़रूरी लगता है कोई सैंपल लेना, आपको कोई नीड लगती है कि आपका सैंपल लेना चाहिए प्लेसेंटा से, तो आपके प्लेसेंटा से सैंपल ले लिया जाता है। उसके बाद जो है आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कट लगा है, चीरा लगा है, उसको स्टिच किया जाता है, उसमें टांके लगाए जाते हैं। इसमें भी बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आपके वेजाइना पे एक लोकल एनेस्थीसिया है, वो लगा दिया जाता है और आपकी वेजाइना वाला जो पार्ट है वो सुन्न हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और आपको टांके लगाते टाइम आपको किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता है। टाके लगाने के बाद आपके जो भी लोअर पार्ट के कपड़े निकाले होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के दौरान आपके नीचे सलवार या जो भी पहना होता है वो आपका निकाल दिया जाता है, और आपका कोई हेल्पर है या फिर नर्स है वो आपके कपड़े फिर से पहना देती हैं। और उसके बाद डिलीवरी रूम से आपको जनरल वार्ड या फिर जहाँ प्राइवेट रूम अगर आप लेना चाहते हो वहाँ पर आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं वो पाँच जरूरी बातों की जो कौन सी हैं। तो सबसे पहली है डिलीवरी के लगभग 15-20 मिनट बाद आपको बहुत तेज़ ठंड लगती है, ऐसे कपकपी से आती है बहुत तेज़। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था कि मैंने सोचा कि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मेरे साथ एकदम से इतनी क्या वीकनेस आ गई जो मैं कांपने वाली मुझे ठंड लग रही है और आसपास मुझे सब लोग नॉर्मल नज़र आ रहे थे। तो देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देखो पूरे 9 मंथ आपका जो हार्मोन्स है धीरे धीरे करके इंक्रीज हुए थे, वो एकदम से जो है डाउन आ जाते हैं। एक तो रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप इतने घंटे लेबर पेन में होती हैं, इतने घंटे आपने परसों पीड़ा सहन की होती है, इस वजह से आपको जो है तेज़ कपकपी वाली ठंड लगती है। आपको ऐसे 2-3 कंबल आपको ओढ़ लीजिए जितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है। वैसे तो हॉस्पिटल में आपको कंबल मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर से पर्सनल कंबल लेके जाना चाहें तो आप लेकर जा सकते हैं। लगभग 15-20 मिनट ये ठंड लगती है, उसके बाद फिर से आप नॉर्मल फील करती हैं, नॉर्मल और रिलैक्स पोजीशन में आप आ जाते हैं। दूसरा जो है वो है आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग। आपकी प्राइवेट पार्ट से हैवी ब्लीडिंग होती है, उस टाइम आपका जो रेगुलर पैड है, आप जो मेंसेस में पैड यूज़ करती हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करता है, वो उस ब्लीडिंग को नहीं रोक पाएगा। तो उस टाइम ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप जो मैटरनिटी पैड आते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको 5-6 घंटे के लिए कम से कम छुटकारा मिल जाए। आपको शुरू के 2-3 दिन जो है क्लोट्स भी आ सकते हैं, खून के थक्के भी आपके प्राइवेट पार्ट से आ सकते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि हल्के फुल्के जो प्लेसेंटा के कण हैं वो यूट्रस में चिपके रह जाते हैं, वो धीरे धीरे करके जो है बाहर निकलते हैं, तो इस वजह से क्लोट्स आते हैं। आपको हैवी ब्लीडिंग भी इसलिए होती है क्योंकि जो कुछ वेसल्स हैं अभी भी ओपन रह जाती हैं, उनका मुंह बंद होने में 1-2 दिन का 2-4 दिन का टाइम लग जाता है। तो शुरू में हैवी ब्लीडिंग होती है और 2-3 दिन बाद जो है आप अपने रेगुलर पैड का इस्तेमाल कर सकती हैं और लगभग 1-1.5 महीने बाद वो ब्लीडिंग जो है आपकी रुक जाती है। तीसरी हम बात करते हैं आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है आपके लिए जानना। अभी आप जस्ट न्यू मॉम बनी हैं, आपका बेबी इस दुनिया में अभी अभी आया है, उसको अच्छे से जो फीड लेना नहीं आता है, सक करना उसको नहीं आता है, और आपको अभी अच्छे से पिलाना भी नहीं आता है, तो आपने उस टाइम पे सीखना है। आपकी नर्स उस टाइम पे हेल्प कर देंगी। करना आपने क्या है कि शुरू में क्या होता है कि ब्रेस्ट आपकी टाइट रहती है, तो बच्चे के लिए मिल्क लेना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, तो ज़्यादा बेटर रहता है आप अपनी ब्रेस्ट को हल्के से दबाइए और मिल्क आपने बाहर निकाल
डाल देना है ताकि बच्चा अच्छे से सक कर सके। और शुरू के 2-3 दिन जब जब आपका बेबी को फीड कराए तब तब आपने हल्का सा बच्चे को सपोर्ट देना है ताकि ब्रेस्ट मिल्क आप दबाओ ब्रेस्ट को आप दबाओगे तो हल्का सा बच्चे के लिए ईजी हो जाए वो मिल्क बच्चे के लिए लेना। तो हल्का सा ब्रेस्ट को प्रेस कीजिए और बच्चा अपने आप कोशिश कर लेगा पीने की। अब शुरू में दिक्कत क्या आती है कि शुरू के 2-3 दिन जो है मिल्क कम बनता है, लेकिन आप ब्रेस्ट मिल्क जरूर पिलाइए। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो हल्का फुल्का आप ऊपर का मिल्क भी दे सकती हैं। अब कुछ लोगों के क्या होता है कि शुरू के 2-3 दिन मिल्क बिल्कुल नहीं बनता है, उसके बाद भी आपने बच्चे को ब्रेस्ट पे जरूर लगाना है। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं लगाया और बच्चे को ऊपर का आप दूध पिलाए जा रहे हो देन बच्चे को फ्री फोकट का मिल रहा है, बिना मेहनत के मिल रहा है, वो फिर आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिएगा। तो इसलिए अपने ब्रेस्ट पे जरूर लगाएं ताकि वो कम से कम शक करना सीख ले और 2-3 दिन बाद जब आपका मिल्क अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा देन बिना कोई परेशानी का आपका बच्चा जो है मिल्क पी लेगा। एक और दिक्कत आती है, शुरू में आप बच्चे को फीड कराते हो देन आपकी जो निप्पल है वो ड्राई हो जाती है तो उस पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, काफ़ी बार जो है ब्लीडिंग भी उसमें होने लग जाती है। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था तो उस टाइम बहुत पेन भी होता है बच्चे को फीड कराने में, लेकिन आपने जो है फीड करवाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जब भी बच्चा फीड करे उसके बाद जो है आप अच्छे से कोई गीली हैंकी से गीले टॉवल से पोंछ के उसको टैप ड्राई करके आप कोई भी क्रीम है, ऑइंटमेंट है, निप केयर क्रीम आप लगा सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी भी उस वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि ड्राइनेस होने की वजह से आपके निपल्स में क्रैक्स ना पड़े। तो ये थी आपके लिए ज़रूरी सलाह। और नेक्स्ट चौथी जो ज़रूरी बात है वो है कि आपको क्या खाना पीना है डिलीवरी के तुरंत बाद। तो उसके बाद आपको बहुत तेज़ भूख लगी होती है देन आप चाय बिस्किट ले सकती हैं या कॉफ़ी या बिस्किट आप ले सकती हैं, क्योंकि गरम गरम आप चाय लेती हैं तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है, आपकी बॉडी में उस टाइम पे पेन हो रहा होता है आपका मूड भी रिलैक्स हो जाते हैं और हल्का सा जो है दर्द में भी आपको थोड़ी सी राहत मिलती है। अगर आप चाय नहीं पसंद करते हो तो आप जो है पतला सा दूध वाला आप दलिया बना सकते हो, आप ओट्स आप बना सकते हो, बिल्कुल पतला बनाना है और अच्छे से उसको आपने पका लेना है और हल्का सा गुनगुना होने पर आपने उसका सेवन करना है। इससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और आपका मिल्क बनने में दलिया और ओट्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और 2-3 दिन तक लगभग 5-6 दिन तक आपने हैवी डाइट आपने नहीं लेनी होती है, अदरवाइज आपके पेट में दर्द हो सकते हैं। पांचवी और सबसे ज़रूरी है कि आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है शुरू शुरू में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे 9th मंथ आपकी बेबी का जो वज़न है, आपके यूट्रस का जो वज़न है वो आपके लिए लोअर पार्ट की जो भी वेसल्स हैं, जो भी वेन्स हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है। तो इस वजह से उनको नॉर्मल पोजिशन में आने में, रिलैक्स आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए डिलीवरी के बाद भी लगभग 1-1.5 महीने तक आपको कब्जी की दिक्कत है वो रह सकती है। वैसे तो डॉक्टर आपको पूरे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 24 घंटे तक, आप सुसु पोटी जब हॉस्पिटल में कर लेते हो देन आपको घर भेजा जाता है, लेकिन फिर भी आपने अपने डॉक्टर से एक सिरप जरूर लिखवा के ले आएँ। आप साथ में एक आधी टैबलेट भी लेके आ सकती हैं इन केस अगर आपको कभी भी कब्जी की दिक्कत लगती है, ऐसा लगता है कि आपको हल्की सी टाइट लेटरिंग भी आती है तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी सब्जियां खाने का इस्तेमाल करें और पपीते का सेवन आप ज़रूर करें। फाइबर वाली जो चीज़ें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आपको कब्जी की दिक्कत जो है बिल्कुल ना रहे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर अभी भी आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।